बैक टू द चैनल और आ चुके हैं आपके बीच में फिर से एक नई वीडियो को लेके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह अडानी के स्टॉक फॉल से SBI और LIC को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। जैसे कि आप सबसे पहले हेडलाइंस देख सकते हैं कि अडानी के स्टॉक फॉल से SBI और LIC को मोर देन 78,000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो चुका है। अब आइए जान लेते हैं ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अडानी एक तरह का 2008 का ACC सीमेंट बन चुका है, क्योंकि जिस दिन फॉल होगा वो उस दिन पूरी पूरी मार्केट को फॉल कर देगा। ठीक है, सो इसकी एक छोटी सी झलक हम लोगों को यहीं देखने को मिल गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम LIC की। तो LIC ने क्या कर रखा था, LIC ने अडानी शेयर्स में मोर देन 77,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे थे। तो अडानी के फॉल के बाद अब उसकी करंट वैल्यू ओनली 53 करोड़ रुपीज़ बच चुकी है, मतलब 53,000 करोड़ रुपीज़ बच चुकी है, जिसमें से मोर देन 23,500 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो चुका है। ये था अडानी की वजह से LIC को लॉस, एक तरीके की बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि शेयर प्राइस में इतनी तेज़ गिरावट है और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने सेगमेंट ने इसमें समय इन्वेस्ट कर रखा है। और अब बात करी जाए अगर SBI की, तो SBI के बारे में मेरे आपको बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अडानी के अगर 100% लोन जो ले रखा है उसमें से 80% का लोन अकेले SBI ने ले रखा है। कई सारे लोन डायरेक्ट बैंक से इशू कर रखे हैं और कुछ लोन उसने एज ए डिबेंचर और अपने शेयर्स को रख के इशू कर रखे हैं। तो शेयर फॉल की वजह से एक तो पहले जो इन्वेस्टमेंट थी SBI की वो तो गिरी, साथ में बैंकिंग सेक्टर में फॉल की वजह से अडानी को एक तरीके से लॉस ना भर पाने की वजह से SBI को भी एक तरीके का लॉस ही हुआ है। सो शेयर प्राइस और जो उसने लोन दे रखा है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए SBI हम लोगों का किस तरीके से अडानी की वजह से SBI और LIC को 78,000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।